जब उसको पता चला कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूं, उसने पिल्स खा के सुसाइड करने की कोशिश की। उसके कई बुलाने पे भी मैं हॉस्पिटल नहीं गया, क्योंकि मैं उसके किसी भी वार का शिकार नहीं होना चाहता था। फिर अब वो कहती है कि वो पुलिस को एक नया बयान देगी, जिसमें वो ये कहेगी कि वो पिल्स उसको मैंने दिए। My God. उसको मैंने मारने की कोशिश की, जस्ट बिकॉज मैं ये रिलेशनशिप खत्म करना चाहता था। अब क्या होगा? Don't worry, mom. उसको डील करने में 2-3 महीने तो लगेंगे और मुझे वहां जाना होगा। You have to make sure तू आपको कुछ ना पता चले। जी कहिए। वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। एक्चुअली मैं तुम्हारे फ्रेंड्स के इनविटेशन पे तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा, कुछ जरूरी काम आ गया है, मुझे वहां जाना होगा। लेकिन मुस्तजाब, उन लोगों ने हम दोनों की शादी की दावत रखी है, बहुत बड़ा अरेंजमेंट है, मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ? Well, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुम्हारी विश की रिस्पेक्ट करते हुए अकेला अमेरिका जा रहा हूँ। अब ये तो मत बोलें कि आप मेरी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए फैसला कर रहे हैं, इससे जुड़ी आपकी अपनी कोई मजबूरी है। वाओ, मेरी मजबूरी? हाँ, वेल सिर्फ ये कि मैं शायद तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता, तो मैंने सोचा तुम यहाँ पे रहो, वो करो जो तुम करना चाहती हो। अपनी ख्वाहिश पे तुम्हारी ख्वाहिश को प्रेफरेंस दी है मैंने। अगर ऐसा है तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। एग्जैक्टली ऐसा ही है। You should be thankful, my child. Now, please, मुझे ये फेवर दो ना। सर, अब मैं कैसे? वो बहुत नाराज होंगी। तुमसे कोई नाराज हो ही नहीं सकता, इतनी प्रिटी हो तुम, वो देखेंगे मान जाएंगे।